अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू इजी क्रिएशन। आई होप आप लोग खुश होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं चिकन तंदूरी क्रेप्स। और इससे पहले कि हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे थी। सबसे पहले हमने एक बाउल में ले लिया है 2 टेबल स्पून क्रीम, 2 टेबल स्पून योगर्ट, और इनको हमने अच्छी तरह आपस में फेंट लिया। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है तंदूरी चिकन मसाला, 1 टी स्पून अदरक पाउडर, 1 टी स्पून गार्लिक पाउडर, और बस जी। इसके बाद हमने ले लेना है 5 से 6 चम्मच सिरका, और बस हम इनको अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे, कोई भी लम्स ना हो, अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपने चिकन को ऐसे लंबी शेप में काट लेना है, क्योंकि क्रेप में जब हम डालेंगे और अगर आपने उसको राउंड शेप में काटा हुआ है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फट जाएगा क्रेप थोड़े से ना नाजुक होते हैं। तो ओके जी, ये हमने मैरिनेट करके इसको अच्छी तरह से तो 15 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद हमने लेना है एक पैन, उसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून बटर, और उसके अंदर आपने अपना ये सारा मैरिनेटेड चिकन डाल देना है। और ये देखिए, अच्छी तरह बर्तन को साफ करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है, लो मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद ये देखिए, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है, और थोड़ा थोड़ा इसमें अभी पानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है शिमला मिर्च, ठीक है। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का सौते करेंगे, 2 मिनट्स के लिए हम इसको ढक्कन रख के पकाएंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लेंगे एक फॉइल पेपर, और उसके बाद हम कोयले को गर्म करेंगे और वो इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमें इसको देना है बारबेक्यू टच, ठीक है। ये अच्छी तरह कोयला हमने गर्म कर लिया, और उसके ऊपर रख के हल्का सा ऊपर घी डाला, और बस इसको 10 मिनट के लिए आपने दम पे रख देना है। उतनी देर में हम क्रेप्स बना लेते हैं। तो क्रेप्स के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप मैदा, ठीक है। उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप दूध, 1/2 कप पानी, और किधर रह गया मेरा पानी, ये आ गया। ओके जी, 2 अंडे हम इसके अंदर डालेंगे, ये 1 और ये 2, ठीक है। फिर अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून चीनी यानी कि शुगर, और बस। इसके बाद हम इसको एक चम्मच दही डालेंगे सॉफ्टनेस के लिए, और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से, हैंड ब्लेंडर से कर लें, ग्राइंडर में करना चाहते हैं तो आप ग्राइंडर में कर लें। और 2 टेबल स्पून हम इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे, और फिर इसको एक दफ़ा से ब्लेंड करके, तो अब हम इधर पैन रखते हैं, पैन को करते हैं अच्छी तरह से ग्रीस ऐसे, ठीक है, प्यारा प्यारा सा चारों तरफ से ना हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। और फिर एक गहरा सा चम्मच लेंगे, उसके अंदर आप अपने क्रेप का रखेंगे मिक्सचर अच्छा सा, और इस तरह से फैला फैला के इसको हल्का हल्का करके तो डाल लेंगे, ठीक है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। एक साइड हमारी पक चुकी है, और जितनी देर में दूसरी साइड बनेगी उतनी देर में हम इसके ऊपर टॉपिंग भी कर लेंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर फजीता मायोनीज डाली है, आप गार्लिक या जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर अपना रखेंगे चिकन और शिमला मिर्च का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो, यानी कैसे, इसीलिए हमने इसको ना लंबी शेप में काटा था, क्योंकि हमने इसका बनाना था रोल। ओके जी, अब यहाँ पे हम डालेंगे प्याज इसके ऊपर, और थोड़े से टमाटर डालेंगे। अच्छा, सैलेड आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, कुछ लोग जो है वो सलाद के पत्ते बहुत पसंद करते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, बंद गोभी या जो भी आपको सैलेड में पसंद है वो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ प्याज टमाटर डाले थे, और उसके बाद हरी चटनी मैंने इसके ऊपर डाली है, और दैट्स इट। अभी मेरा ये दूसरी साइड से भी पक चुका था, पैन बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने इसको पैन के अंदर रोल नहीं किया, प्लेट में निकाल लिया था। और मैं प्लेट में निकालने का आपको प्लीज़ ये देखिए इसे आराम से बिल्कुल ना अपनी प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद दोनों साइडों से इसको फोल्ड करके, तो बाकी भी इसी तरह से हम रेडी करेंगे। और उसके बाद हम इसको दरमियान से कट लगा लेंगे, क्योंकि बहुत लंबे फिर जो है ना बीच में से जो है वो मसाला गिरता है,
तो ये जी देखिए हमारे झटपट से तंदूरी चिकन क्रेप रेडी हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।